हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग। मे मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये महीना आप सभी के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली बात तो ये कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल अप्रोच लग के आगे बढ़ते हैं अभी गाइस, तो आई एम गोइंग टू से दैट यू गोइंग टू अर्न गुड मनी। मनी इज लुकिंग गुड फॉर यू, बट द ओनली कंडीशन इज यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि ये एक बात हो सकती है कि आप सिचुएशन को मिसजज कर लें, या यू नो इट डजेंट टर्न आउट हाउ यू वॉन्ट इट टू बी, एंड देन वी डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यू नो दैट फॉलोज। वॉट मोर, वॉट मोर। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल्सो नीड टू कीप टेकिंग एक्शन गाइज। See, when I say that to be careful doesn't mean कि आप इतना डर के बैठ गए कि I don't know what to do and I'm not going to do anything। ये वाली बात नहीं बोल रही मैं। Don't need to do that, please don't do that, but take action, be a little impulsive as well, but you know with a practical approach, एक practicality को अपने साथ लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। ओके, और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, सो आई एम गोइंग टू से कि प्रैक्टिकलिटी को नज़र में रखते हुए आप आगे बढ़ने की जो हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए एक नया यू नो दिस इज अ न्यू प्रपोजल और अ न्यू विजन। दिस कैन ऑल्सो बी इन द लव वे, क्योंकि आप इतना धोखा वगैरह खा चुके हैं पहले। आई एम सॉरी फॉर लाफिंग लाइक दैट। मे बी यू नो हम बोलते हैं ना भुक्त भोगी, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ में पहले हो चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार मे बी ऐसा धोखा खाया हुआ है कि यू लाइक आई एम डन नाउ, आई कॉन्ट। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं एंड यू लाइक अब मुझे पैसे पे ही फोकस करना, नीड टू बिल्ड माई करियर, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ नॉन सेंस। ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है दैट यू हैव अ न्यू प्रपोजल ऑफ बिजनेस, आप मे बी एक्सपैंड करना चाहते हैं, या अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका जहाँ वहाँ पे यू नो यू वांट टू चेंज, यू वांट टू रीस्टार्ट योर करियर और एम्प इट अप, यू नो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द लाइन दैट यू आर इनटू, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई एम गोइंग टू से यस, यू शुड डू इट, बट यू नीड टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल प्लान फॉर इट। बट सोच लिया जस्ट और आगे बढ़ दिए, भाई ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट यू नीड टू जॉट डाउन थिंग्स। ये प्लान होना चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए, रिसर्च किया होना चाहिए आपने। देयर इज सो मच टू इट, सो मच टू इट। या अब हम देख लेंगे एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, मन नहीं बना पा रहे हो क्या करना है, किस वे में करना है, सो आई एम गोइंग टू से दैट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता है। यस इसके अलावा मैं बोलूंगी कि ओरेकल मैसेज से जो मैसेज है, रेस्ट एंड रिकंसिडर। ओके, सो एनी प्लान दैट यू हैव, जस्ट मुझे ये आइडिया पसंद आ गया, सो आई वांट टू मार्च अहेड ओवर देयर, ऐसे मत करो, सोचो, कंसिडर करो, हर वे से सोचो। अगर ये प्लान अनुसार जाता है तो क्या क्या होगा, और अगर ये प्लान मुताबिक नहीं जाता है, व्हाट एम आई पुटिंग एट स्टेक, यू नो। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर, एंड यस लिसन टू इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन नेवर लाइज गाइज। Oh yeah, take action, but with practicality is what I'm going to say. Thank you for watching.